अब देखो हिमेश की न्यू मूवी बैड एस रवि कुमार का जब से टीजर आउट हुआ है तब से ही इस टीजर के उछल उछल के मजे लिए जा रहे हैं। और दो दिन पहले हिमेश भाई को क्वेश्चन करते हुए जीबीएफ ने एक पोल रखा था जिसका 13,000 वोटों के साथ इनसेल रिजल्ट ये निकल के आया है कि 51% ऑडियंस मानती है कि बैड एस रवि कुमार का टीजर एक मजाक था। और उससे भी क्रेजी चीज ये हुई कि 33% ऑडियंस का मानना ये था कि बैड एस रवि कुमार का जो टीजर है वो किसी बवासीर से कम नहीं। पर 440 वोल्ट का झटका देने की बात ये है कि मेकर्स को एग्जैक्टली यही चाहिए था क्योंकि हिमेश के बैड एस रवि कुमार खुद को सीरियस लेने वाली तो मूवी है ही नहीं। ये वो स्पूफ कंटेंट है जिसमें मेकर्स अपनी मूवी को हो सके उतना शिट लेवल की बनाने की कोशिश करता है जिसमें ऑडियंस को नॉनसेंस और इडियोटिक लेवल का एंटरटेनमेंट मिल सके। और बैड एस रवि कुमार का सो कॉल्ड अनाउंसमेंट टीजर स्टूपिडली एंटरटेन करती है। तो देखा जाए तो बैड एस रवि कुमार बवासीर लेवल की बवाल मूवी है जो अपनी मूवी के अंदर बड़े बड़े मूवीज की स्पूफ या पैरोडी बना के धज्जियां उड़ाने वाली है। और अब मजे की बात यह है कि हिमेश भाई इस इडियट कंटेंट को बनाने के लिए कितने सीरियस है। अब देखा जाए तो इंडिया के पॉप कल्चर के अंदर गिने चुने ही स्पूफ मूवीज बनी है और मुझे रामगढ़ के शोले के अलावा कोई मूवी याद भी नहीं है। हाँ पर वेस्ट हॉलीवुड में इसका ट्रेंड काफी लंबे समय से चलते आया है। 300 की पैरोडी मूवी मीट द स्पार्टन्स तो सभी को याद ही होगी जिसने अल्टीमेट लेवल पर धज्जियां उड़ा के रखी थी 300 की। इसके अलावा सुपर हीरो मूवीज के तो गजब लेवल के स्पूफ होते हैं जिसकी नॉटी फैंटेसी से भरी पैरोडी के मजे इंटरनेट के गहराइयों के अंदर जाके बहुतों ने उठाए हैं। तो देखा जाए तो इस तरीके का मजे लेने वाला यानी स्पूफ पैरोडी वाला कंटेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर हमारे यहाँ बनता है बे। तो बैड एस रवि कुमार जिसे लोग 30 लेवल बवासीर और जाने क्या क्या नाम दे रहे हैं और जिस तरह से इस टीजर के अंदर साउथ इंडियन मूवीज की स्ट्रॉन्ग स्पूफ और पैरोडी के सीन्स हमें दिखाए गए हैं तो कहीं ना कहीं बैड एस रवि कुमार का जो टाइटल कैरेक्टर है तो वो एक्सपोज के कांड होने से पहले किस तरह के काम करता था वही इस मूवी के अंदर साउथ इंडियन टच के साथ दिखाया जाएगा जिसमें मॉडर्न साउथ इंडियन मूवीज के बहुत ही बैडली मजे लिए जाएंगे जिसमें KGF और विक्रम जैसी मूवी टॉप में रहने वाले है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। अब देखा जाए तो ऐसे इंटेंशनली बवासीर चीजें तो बननी ही चाहिए क्योंकि देखा जाए तो एक हीरो सेंट्रिक और अच्छी स्टोरी टेलिंग वाली मूवीज तो हम रोज ही देखते हैं पर इंडिया के पॉप कल्चर में ऐसी मूवीज बहुत कम बनती है जो अपने आप को बेइज्जत करा के एंटरटेन करती है। यानी तुम ही सोच के देखो बैड एस रवि कुमार के मेकर्स खुद ही छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमने कचरा बनाया है क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। आई मीन लास्ट में मैटर ही क्या करता है एंटरटेनमेंट और मजा जिसके लिए इतनी सारी बकचोदी हो रही है। और जिस तरह से बैड एस रवि कुमार अपने आप को प्रेजेंट करती है नॉनसेंस स्टूपिड इलॉजिकल तो देखा जाए तो वही बवासीर लेवल का मैडनेस इस मूवी के अंदर भी दिखना चाहिए क्योंकि बैड एस रवि कुमार का जो कंटेंट है वो पैरोडी और स्पूफ नहीं निकला तो इंडियन सिनेमा के ऊपर अल्ट्रा लेवल का धब्बा लगने वाला है। पर इस सो कॉल्ड अनाउंसमेंट टीजर के अंदर की गंदे VFX चीप डायलॉग्स और घटिया एक्टिंग को देख के ऐसा ही लग रहा है हिमेश के बैड एस रवि कुमार ने इस रायते को जानबूझ के फैलाया है ताकि ऑडियंस इसे निचोड़ निचोड़ के मजे ले सके। और देखा जाए तो GBF के वीरो ऑडियंस मजे ले भी रही है ऐसे ही दो दिन से ट्रेंड नहीं कर रहा है बैड एस रवि कुमार यूट्यूब पर। अब देखो इस मूवी को थिएटर में कितना रिस्पांस मिलता है इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं पर मैं डैम श्योर हूँ कि जब ये मूवी OTT पे आएगी तब इसे कोई भी इग्नोर नहीं करेगा और बैड एस रवि कुमार एक बार फिर से तबाही मचाएगा। अब बड़ा क्वेश्चन ये है क्या तुम रेडी हो ऐसी बवासीर चीज देखने के लिए जिसे जानबूझ के ही शिटी बनाया गया है ताकि ऑडियंस को मजा मिल सके। हाँ पर जाते जाते जिस एक्सपोज यूनिवर्स की ये मूवी है उस एक्सपोज मूवी को कितनों ने देखा है आंसर का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो इसी बात पे GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। इसके अलावा शिकायत या बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर गुड बाय।